वसुंधरा राजे सिंधिया, गजेंद्र शेखावत, अश्विनी वैष्णव, राज्यवर्धन सिंह राठौर, किरोड़ी लाल मीणा, दिया कुमारी सहित आधा दर्जन से ज्यादा बीजेपी के सीएम दावेदारों में घमासान मचा है कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बाकी नेता तो पीएम मोदी और आलाकमान के भरोसे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे ने जिस तरह विधायकों से मुलाकात की और बीजेपी आलाकमान पर दबाव बनाने की कोशिश की, उसे लेकर सीएम दावेदार किरोड़ी लाल मीणा ने वसुंधरा राजे पर निशाना साधा है। एबीपी न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में किरोड़ी लाल मीणा ने वसुंधरा राजे को खरी खरी सुनाते हुए कहा, यहाँ ताकत दिखाना नहीं चल पाएगा, मुख्यमंत्री बनने के लिए अधीर ना हो, जब तक मोदी हैं किसी एमएलए को डिटेन करके कोई सीएम नहीं बन सकता, राजस्थान को बुधवार तक नया सीएम मिल जाएगा। किरोड़ी लाल मीणा का यह बयान दिखाता है राजस्थान बीजेपी में आपसी फूट के हालात क्या है, कि चुनाव के बाद एक हफ्ता बीत गया और सीएम का नाम तक तय नहीं हो पाया। पीएम मोदी की पार्टी में भगवान वाली छवि और प्रचंड बहुमत के बावजूद इतना समय निकल जाना साधारण घटना नहीं है, जो सवाल उठाता है कि क्या राजस्थान में मोदी बनाम वसुंधरा में ठन गई है। हालांकि सीएम तो वही बनेगा जिसे मोदी चाहेंगे और नाम भी पीएम मोदी ने तय कर लिया होगा, बस लगता यही है कि मनाने का खेल जारी है। आप राजस्थान में प्रचंड बहुमत के बावजूद सीएम घोषित ना करने को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।